मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम अपनी बुक का चैप्टर नंबर 10 सिंपल पास्ट टेंस के बारे में इस चैप्टर में हम रीड करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बुक ओपन करनी होगी। ओपन योर बुक्स एंड होल्ड अ पेंसिल इन योर हैंड्स। आपके हैंड में पेंसिल होनी चाहिए और जो भी मैं आपको रीड करा रही हूँ आपको केयरफुली होकर सुनना है और समझना है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सिंपल पास्ट टेंस। Look at the pictures and read the following sentences. अब आपकी बुक में देखिए कुछ पिक्चर्स और कुछ सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, वो हम रीड करेंगे। समित कुक्ड डिनर। जिया आस्क्ड अ क्वेश्चन। रमा प्लेड विद हर फ्रेंड्स। इन द अबोव सेंटेंसेस समित हैज ऑलरेडी कुक्ड डिनर। जो अबोव सेंटेंसेस है, बात करें ऊपर जो सेंटेंसेस हमें दे रखे हैं उसमें समित ने पहले से ही खाना बना लिया है। जिया हैज ऑलरेडी आस्क्ड द क्वेश्चन। जिया ने पहले ही वो क्वेश्चन पूछ लिया है। एंड रमा हैज ऑलरेडी प्लेड विद हर फ्रेंड्स। और रमा ने अपने फ्रेंड्स के साथ पहले ही खेल चुकी है। तो यानी इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड करेंगे, पास्ट के बारे में। यानी जो चीज़ें पहले हो चुकी होती हैं हम उनके बारे में इस चैप्टर में रीड कर रहे हैं। द एक्शंस हैव बीन कम्प्लीटेड एंड आर नॉट हैपनिंग एनी मोर। अब जो एक्शंस इसके अंदर हो रहे हैं वो पहले ही हो चुके हैं, अब वो कंटिन्यू नहीं है उसमें कोई भी, वो अब नहीं हो रहे हैं, यानी वो पहले पास्ट में हो चुके हैं। द वर्ड्स इन रेड इन द अबोव सेंटेंसेस टॉक अबाउट एक्शन दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब जो रेड में जो वर्ड्स दे रखे हैं आपको वो ये हमें बता रहे हैं, सेंटेंस हमें बता रहे हैं, उनके एक्शंस ये बता रहे हैं कि जो काम है वो पहले से ही हो चुके हैं। दीज वर्ड्स आर इन द सिंपल पास्ट टेंस। इन्हीं वर्ड्स को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। द सिंपल पास्ट टेंस टॉक्स अबाउट एक्शंस और इवेंट्स दैट हैव ऑलरेडी हैपेंड। अब सिंपल पास्ट टेंस की बात करें तो सिंपल पास्ट टेंस वो एक्शंस और इवेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी यानी पहले से ही हो चुके होते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए। वी प्लेड विद ब्लॉक्स। प्लेड यानी वो पहले ही खेल चुके हैं, यानी कि इसमें आपको बस इतना याद रखना है जिस भी वर्ब के अंदर, यानी कि क्या होगा, वर्ब प्लस ईडी, ये आपका किसका फॉर्म होगा, पास्ट टेंस का फॉर्म होगा। जैसे प्ले प्लस ईडी तो क्या बन जाएगा, प्लेड। ये आपका पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो जाता है। जैसे टॉक, टॉक का क्या बनेगा, टॉक प्लस ईडी तो टॉक। तो जो भी वर्ड्स जिनमें ईडी हम ऐड कर देते हैं, ऐसे वर्ड्स जिनमें, ऐसे वर्ब्स जिनमें हम ईडी ऐड कर देते हैं वो हमारे पास्ट टेंस के वर्ड्स बन जाते हैं। यानी ये पास्ट वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। तो देखिए एग्जांपल देखिए। वी प्लेड विद ब्लॉक्स। प्लेड क्या है, पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं यानी कि ये हो चुका है। शीना टाइड हर शूलेसेस। टाइड यानी उसने कर चुकी है, उसने अपने शूलेसेस को टाइड कर लिया है। बीना कॉल्ड हर सिस्टर। कॉल्ड यानी बुलाया था, तो कॉल्ड यानी वो बुला चुकी है। द बेबी क्राइड। क्राइड यानी वो बेबी पहले से रो चुका है। आई पेंटेड द पिक्चर यस्टरडे। पेंटेड यानी उसने वो काम ऑलरेडी कर चुकी है। तो ऐसे ही वर्ड्स जो पहले से हो चुके होते हैं, वर्ब्स में जो एक्शन पहले से कर चुके होते हैं, उन वर्ब्स को हम पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है आपकी बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक्स में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस इन द सेंटेंस बिलो। ये देखिए आपकी बुक्स में ये क्वेश्चन दे रखा है, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द सिंपल पास्ट टेंस इन द सेंटेंस बिलो। नीचे आपको सेंटेंसेस दे रखे हैं, ये सेंटेंसेस मैं आपको ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। इसमें जो पास्ट टेंस के वर्ब्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी बुक का, पेज नंबर इसका 45
पेज नंबर पे आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, ए वाला देखिए, शी डांस्ड ऑन द स्टेज, यानी शी डांस्ड ऑन द स्टेज, उसने स्टेज पर डांस किया। तो डांस क्या है, पास्ट टेंस है, क्योंकि ये काम उसने पहले ही कर चुकी है। तो जो भी वर्ड्स आपके पास्ट टेंस में आएंगे, वर्ब्स यानी जो वर्ब्स हमारे पास्ट टेंस में होंगे उनके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। इस तरीके से आपको पेंसिल से अंडरलाइन करनी है। बी वाला देखिए, माय पेरेंट्स वॉच्ड अ मूवी yesterday, तो इसमें past tense क्या होगा, my parents watched a movie yesterday, watched यानी ये क्या है हमारा, watch क्या है हमारा, verb है और इसमें ed लग गया, तो ये हमारा क्या बन गया, past verb यानी past form of the verb, ये क्या है हमारा, watched। number c देखिए, रवि waited for his sister at the bus stop। तो इसमें कौन सा past form होगा हमारे लिए, वर्ब का, इसमें पास्ट का फॉर्म कौन सा है, वर्ब कौन सी है इसमें, तो वर्ब है आपकी वेट और इसमें ईडी लग गया, तो ये आपकी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, यानी किसके नीचे आप अंडरलाइन करेंगे, वेटेड। नंबर डी वाला देखिए, संजना आस्क्ड अ क्वेश्चन, संजना क्वेश्चन, तो इसमें हमारा कौन सा वर्ब है, इसमें कौन सा वर्ब यूज हो रहा है, आस्क, इसमें आस्क क्या है हमारा, वर्ब है और इसमें ईडी लगा दिया, तो ये हमारा पास्ट फॉर्म बन गया, यानी आस्क्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करनी है। नाउ ई वाला देखिए, माय ब्रदर एंड आई प्ले म्यूजिक ऑन द रेडियो, तो इसमें से कौन सा हमारा वर्ब का फॉर्म है, देखिए इसमें कौन सा वर्ब हमारा है, तो वर्ब हमारा है प्ले और प्ले में ईडी लग गया, तो ये हमारा पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बन जाता है, तो आपको प्ले के नीचे अंडरलाइन करनी है। सो स्टूडेंट, अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ब्स के पास्ट फॉर्म कौन से होते हैं, जिन भी वर्ड्स में हम यानी कि वर्ब के साथ ईडी लगा देंगे तो क्या बन जाता है, पास्ट में चला जाता है, जैसे कि प्ले का साथ हमने ईडी जोड़ा तो आपका बन जाएगा प्ले, तो इन्हीं वर्ड्स को हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। So student, read the chapter very carefully and watch the video and do question number 1 in your books. Rest of the chapter, hum next class mein continue karenge.